मैं रिक्वेस्ट करूँगा द सन ऑफ सॉइल हमारे नेशनल लीडर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, मिनिस्टर एनर्जी गवर्नर पंजाब जनाब सलीम लावर साहब, मेंबर्स ऑफ असेंबली, हमारी NFC IET के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली साहब और खातून व हजरात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपको और आपके महकमे को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी काविश है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसको आपने और आपके महकमे ने प्रमोट किया है। इस वक्त दुनिया में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि सब माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एनर्जी जो हम फॉसिल फ्यूल से इस्तेमाल और पैदा करते थे, उसने पाकिस्तान के और दुनिया के क्लाइमेट को चेंज किया है। ग्लोबल वार्मिंग का वो जरिया बना है और उसके जो मुज़र असरात हैं वो हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो उस सोच को आपने आगे बढ़ाया है और अमली जामा पहनाया है। मैं राजीव गोहर साहब को भी शामिल कर। अब डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र फरमाया, जो पंजाब लेवल पर आपने दावात उठाए और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपने इनको कॉस्ट इफेक्टिव किया। आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से इनको आगे लेकर चले। ये बहुत बड़ी पेशरफ है और इस पर आपको और आपके महकमे को और आपकी मुकम्मल टीम को मुबारकबाद। मुझे खुशी है, आपका ताल्लुक मुल्तान से है और मुल्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स का न सिर्फ आपने इजरा किया है बल्कि आप खुद निगहदाश्त भी कर रहे हैं, उसकी पैरवी भी कर रहे हैं और उनको अमली जामा पहना रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं तो सच्ची बात है आज आपको, आपके महकमे को और आपकी टीम को मुबारकबाद देने आया। जहाँ तक प्रोफेसर साहब आपका ताल्लुक है, इस यूनिवर्सिटी में मुझे पहले आने का भी इत्तफाक हुआ आपकी दावत पर और मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने विजन से इसमें बतदरीज आप बेहतरी लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके कैंपस को देखते हैं तो खुशी होती है। आपके जिस तरह आपने डिपार्टमेंट्स को उनकी तादाद में इजाफा किया, जिस तरह आपने क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया, जिस तरह आपने यहाँ लोगों के एतमाद को बहाल किया, जिस तरह आपने अपने स्टाफ की निगहदाश्त की, जिस तरह आपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखा, मुझे खुशी है कि आपने साबित किया कि इस इलाके का एक पढ़ा लिखा जो एक शख्स है वो इस इलाके की खिदमत करने की अहलियत रखता है। उसका मुंह बोलता सबूत जो है वो है कि आपकी जिम्मेदारी में इजाफा किया गया है। फैसलाबाद की जिम्मेदारी जो कैंपस की आपको दी गई है, ये इस बात की अक्कासी है कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी थी तो आपको जिम्मेदारी दी गई। अगर आपसे ये यूनिवर्सिटी ना संभल रही होती तो वहाँ आपसे मशावरत किसने करनी थी। तो ये इस बात का अमली सबूत है कि विद डेडिकेशन आपने काम किया और उसका अब अभी नमूना हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं इंशाल्लाह सदर पाकिस्तान जो हमारी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें आना चाहिए। मैं उनको दावत दूँगा, मैं उनको दावत दूँगा और मैं उनको मुल्तान इंशाअल्लाह लाऊँगा और आके इस यूनिवर्सिटी का एक जो ग्रोथ मॉडल है, एक सक्सेसफुल मॉडल जो है, उसको एग्जामिन करें कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी जो कि अपने वसाइल जनरेट भी करती है और अपने वसाइल के अंदर रहकर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कैसे मुमकिन है। यकीनन इससे जाहिर होता है कि यहाँ शफाफियत है, इससे जाहिर होता है कि जो लीकेजेस थी और जो पिलफ्रिज थी उसको आपने यकीनन ख़त्म किया होगा या कम किया होगा, तभी तो ये आपको रिज़ल्ट। आपने ख़ुद फरमाया कि फ़ीसों में इजाफा नहीं किया, आज भी फीस वही है जो सन 2012 में थी। कॉस्ट बढ़ गई है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, फीसें नहीं बढ़ी और क्वालिटी बेहतर हो गई है। तो ये जो आपके पास जो अमरा धारा है, ये हम चाहेंगे कि और भी इससे फ़ायदा हासिल करें कि हाउ कैन वन डेडिकेटेड पर्सन विद अ टीम ऑफ डेडिकेटेड स्टाफ एंड एकेडेमिया डिलीवर इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप और आपकी तमाम टीम, आज छुट्टी का दिन है, मुझे एहसास है यहाँ स्टूडेंट्स भी नहीं हैं और आपकी जो प्रोफेसर्स हैं वो भी नहीं हैं, लेकिन मेरी जानिब से, हमारी जानिब से जो मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, मैं बिन जुमला उनकी जानिब से भी कह रहा हूँ, हम सब की जानिब से उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि हम आए थे। मुल्तान के नुमाइंदगान ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने, आपकी मेहनतों का एतराफ़ करने और ये कहने कि हमें आप पर फख्र है और आप मुल्तान की और इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस इदारे से मुस्तकबिल के जो कायदीन हैं वो जन्म लेंगे, यहाँ से निकलेंगे, इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जाएंगे, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपको और आपकी तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा इज़्ज़त देते हैं और जो आपकी कामयाबियाँ हैं उन कामयाबियों में भी हमें शामिल करते हैं। थैंक यू।